हेलो गाइस, कैसे आप सब? आशा और तो अच्छे होंगे। एक्चुअली इंट्रोडक्शन तो बनाया चाहिए था जाने के स्टार्टिंग में, लेकिन हो गया था लेट, अचानक से निकल गया था, इसलिए रिटर्न आने के बाद बना रहा हूँ इंट्रोडक्शन। और अभी हो गया सुबह, कल शाम को गया था मायापुर, मज़ा आया। बहुत फॉरेनर्स वगैरह वहाँ पर कीर्तन कर रहे थे, वो देख के बड़ा अच्छा लगा। तो वीडियो में है वो सब, आप देखिए, आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी मायापुर का फील आएगा, आशा करता हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। हाय गाइस, বন্ধু বন্ধু আমাকে আজকে দই খাইছে, খুব ভালো মনে হচ্ছে। 84 টাকা পাচ্ছি, বলার সাথে সাথে 84 টাকা চোনা লাগিয়ে দিয়েছি আমি। তো এখন আমরা নবদ্বীপে ফেমাস দই খাচ্ছি, কমপ্লিট করলাম, কারণ কি আমরা এখন এখান থেকে গিয়ে স্টিমারে গিয়ে মায়াপুর ব্যাপারটা যাবো, তাই তো? মায়াপুর ব্যাপারটা যাবো, ওখানে গিয়ে আমরা খুব এনজয় করবো, এমনকি আমরা সন্ধ্যা আরতিটাও দেখবো। तो गाइस, जिनको समझ में नहीं आया, मैं बताया तुम्हें, मेरे फ्रेंड ने जो कहा, वो बोल रहा था कि एक्चुअली वो फेमस दही है यहाँ का, सबसे फेमस दही, यहाँ पे दही खाने लोग आते हैं। वो दही हम खा रहे थे, बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और जो फेमस दही मिलता है, होटल एकदम नवद्वीप घाट में ही था, जहाँ से नवद्वीप के बाद हम अभी घाट क्रॉस करके जा रहे हैं मायापुर। आपको एक घाट क्रॉस कर पहुँचना पड़ेगा मायापुर, और रात के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो ठंड के वक्त है, बहुत अच्छा लग रहा है माहौल, और ऊपर से कीर्तन वगैरह चल रहे हैं, हरे कृष्ण जाप कर रहे हैं सब। यहाँ पे डोंगी में स्टीमर, जो इसको बोलते हैं, स्टीमर में चढ़ा के जाना पड़ता है। और सबसे यहाँ पे जो रिस्क मुझे लगा वो है बाइक क्रॉस करना। बाइक को जैसे तैसे मतलब उठा के ऊपर स्टीमर में डाल के, जो डोंगी बोलते हैं हिंदी में, उसके ऊपर डाल के क्रॉस करना पड़ता है, तो ये बहुत मुझे रिस्क लगता है। अब जो गए हैं, जाते हैं, हमेशा कंटिन्यू कमेंट करके बताए मुझे। तो हम यहाँ पर क्रॉस करके आ गए हैं मेन ए साइड, जहाँ पे मेन टेंपल है, यहाँ पे आ गए हैं। देख सकते कितना अच्छा माहौल है, शाम के वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड का वक्त है, बहुत ही शांत माहौल है, बहुत ही अच्छा आपको फील आएगा यहाँ पे आएंगे तो। और जो नए आ रहे हैं उनके लिए बता दूँ, यहाँ पे रहने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ही चीप रेट में अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह आसपास मिल जाएंगे यहाँ पे, आप आराम से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और मार्केट देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे रात के टाइम अभी। Thank you.
गाइस पूरे जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट यही था, आपने एंजॉय किया होगा, फॉरेनर्स कितने भक्ति से मन से नाच रहे थे और देख के बहुत अच्छा लगता है कैसे बाहर के लोग हमारे कल्चर को इतना अच्छे से मान रहे हैं और इतने भक्ति के साथ हरे कृष्ण करके नाच गा रहे हैं। हमें सच में गर्व होना चाहिए हमारे कल्चर पे और वाकई बहुत लोगों को ये देख के सीखना चाहिए कैसे बाहर के वेस्टर्न कल्चर के लोग हमारे कल्चर में घुल मिल के कैसे अच्छे हरे कृष्णा जाप कर रहे हैं और कितने मन से नाच रहे हैं, कितने खुश थे। आशा करता हूँ आप सबको मन से बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भक्ति से। आज का जर्नी बस यहीं तक था, अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे आप सबसे। आज के लिए अलविदा।